विराट कोहली की सेंचुरी देख के मेरी तो यूं आंखें ही बाहर आ गई। भाई की आंखें बाहर आ गई यार, क्या टैलेंट ये उसकी सेंचुरी देख के बाहर आ गई, और तो कुछ भी नहीं। विराट कोहली भाई लव यू यार, दिल से आप छा गए हो, आप एंड दो। तो विराट कोहली है, ये अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हो। मुझे उम्मीद है कि आप ना जो सेंचुरीज का रिकॉर्ड है तेंदुलकर का, वो आप बीट करेंगे। तो हम आपको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। जारी बात है, क्लैशेज एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, विराट कोहली ने आज अपने 500 मैच कंप्लीट किए और साथ में सेंचुरी भी की है, लाइक इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? हाँ, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसने 500 मैच इंटरनेशनल खेले हैं और 76 सेंचुरीज जैसे कंप्लीट किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक दुश्मनी एक अलग चीज है, मगर एक जो मुल्कों की है, ये हुक्मरानों का सारा कुछ जो सिस्टम है, ये एक साइड पे है, मगर एक जो परफॉर्मेंस है, एक क्रिकेटर है, वो एक बेस्ट है। ये कहूंगा वो तो ये सेंचुरी की आप बात करें, वो डबल सेंचुरी करेगा। अगर आप उसे इजी ले रहे हैं तो बहुत ही जो है ना आपकी मुश्किल वाली बात है, आप इजी ना ले उसे। वो तेंदुलकर है दूसरा, तेंदुलकर देखो जब हम बचपन में उसका मैच है, तेंदुलकर दुआ करी दिया कि यार आउट हो, ये आउट हो। विराट कोहली वही सीन है, उसी तरह ही है, वो भी एक दफा खड़ा हो जाए, वो सेंचुरी करके फिर ही जाता वहाँ से। बिल्कुल तेंदुलकर विराट कोहली एक जैसे ही। आपकी बात तो ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि इंडिया को लेके 40 ओवर है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो वेस्ट इंडीज है इनसे मतलब आउट हो सकता है, या मतलब ये गिरा सकते हैं उसको। तो ये इनकी मतलब पहुंच से ना बाहर है, तो ना मतलब उसको वो कर सकते हैं, तो ना ही वो समझे, क्योंकि वो माशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं वो, ठीक है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और आज उनका 500वां मैच है, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि वो मतलब जल्दी आउट होंगे और 500 स्कोर वो करके ही जाएंगे। देखिए जी, पाकिस्तानी हो या हम इंडियन हो, लेकिन बात ये है कि जो जिसके लिए तारीफ बनती है उसकी तारीफ करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, ठीक है, उनको हम दिली एक तमन्नाओं के साथ उनके लिए दुआएं भी करते हैं। हमारे लिए तो हमारे दिल से तो दुआएं निकलती हैं, वो तो इंडियन है, वो ठीक है, उनका वो अपना सब कुछ, लेकिन मैटर हमें ये नहीं करता कि हम उनके बारे में ये बात करें। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन। 500 मैच अपना कंप्लीट करके उसने 76 अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली आज। और जब ये इंडिया का कैप्टन है, टीम का, क्रिकेट की टीम का कैप्टन थे, तब इनको इतना रिस्पॉन्स नहीं करवाया जाता था जितना को मैंने देखा है। इतना फॉर्म नहीं था तब। विराट कोहली बेसिकली पहले कैप्टन भी रहा है, ठीक है, टीम का, तो उसने बहुत अच्छा मैनेज भी किया था एज अ कैप्टन, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी की है। तो बेसिकली ना जो उधर की अवाम है ना, वो क्रिकेट को ना बहुत क्रेजी होकर देखती है, उनके लिए वो जीना मरना जैसे कहते हैं ना, वो वाला सिस्टम है उनके लिए। तो वो जितना आगे फिर बढ़ता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों खत्म हुआ, ज्यादातर बेसिकली एक तो हमारे माशरे में एक बेट भी बहुत ज्यादा हो गई हुई थी उस वजह से भी, और एक जो प्लेयर्स है ना उनको डीमोटिवेट उन्होंने बहुत करना शुरू कर दिया। वो जब डीमोटिवेट होते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर उनको रैंक नहीं मिलता, फिर इस वजह से वो पीछे हो जाते हैं। 500वां मैच और 500 स्कोर ही करेंगे। हाँ जरूर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि वो 500 करेंगे जी। और क्या कहेंगे, लाइक ऐसे बैट्समैन हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे जो इतना अच्छा खेले? बाबर आजम ठीक है, बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के पास ऐसा बैट्समैन कहाँ है? नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि वो ना यार अलग लेवल है। विराट कोहली एक मतलब आइडियल बन गए हुए हैं अब पाकिस्तान में भी, तो काफी मतलब लोग उनको लाइक करते हैं, तो इंडिया में भी है उनके, लेकिन यार मुझे नहीं नजर आता कि उनके अलावा कोई और है, तो क्योंकि वो एंड है, इनफ जिसको बोलते हैं वो है, तो लव यू है नाम लेके विराट कोहली भाई, लव यू यार दिल से, आप छा गए हो, आप एंड हो। विराट कोहली जब अब इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हाई लेवल पे जा रही है, अब हमारे शाहीन फरीदी का जैसे कि इनके भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, हम ये नहीं कहते कि यार हमारे बहुत अच्छे हैं, वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे हैं, फलाने बहुत अच्छे, लेकिन तारीफ उसकी बनती है कि जिसने काम अच्छा करना है। अच्छा, क्या आपको लगता है इंडिया के पास विराट कोहली जैसे दोबारा बैट्समैन कोई आएगा? देखे, ये दुनिया छोटी नहीं है, इंडिया भी छोटा नहीं है, हमारे मुल्क की आबादी से तकरीबन काफी हिस्से उनकी आबादी ज्यादा है, ठीक है। अब एक गली या एक मोहल्ले से कोई भी निकाले ना कोई निकल आता है, लेकिन ये है कि हर एक को आजमाना चाहिए, ठीक है। जैसे विराट कोहली पे किसी को पहले कोई यकीन नहीं आया था, अब उनको सबको यकीन होना शुरू हो गया है, जितनी उसने अच्छी परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी है। अब बात ये है कि जब आप कोई ढूंढेंगे, टैलेंट हर किसी में है। क्या वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, ये सारा साल ही क्रिकेट में जाने वाला है? देखे, मेरी बात सुने कि डेंजरस होने को हो भी सकते हैं,
लेकिन बात ये है कि परफॉर्मेंस फर्स्ट है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी जा रही है, ठीक है, ऐसे चलती रहेगी तो ये हर टीम के लिए, हर लीग के लिए, हर जितनी भी लीगें चलिए, T20, ICC वर्ल्ड कप कौन सा है इंडिया में हो रहा है, हर एक मैच में ये डेंजरस हो सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विराट कोहली है ये अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हो, आप डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप ना जो सेंचुरीज का रिकॉर्ड है तेंदुलकर का वो आप बीट करेंगे, ठीक है, और इन फ्यूचर आपके आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, तो हम आपको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, जाहिर बात है क्लैशेज एक तरफ बाकी सबके एक तरफ।